हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको SEO के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट का SEO किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन के साथ, ठीक है। और ये जो स्टेप्स मैं आज आपको बताऊँगा, ये स्टेप्स हर वेबसाइट पर लागू होते हैं, बस तरीके चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस पर थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज होगा, इसी तरीके से मैजेंटो पर थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, लेकिन जो सिस्टम है वो सेम तरीके से काम करता है जो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अब जितनी भी मेरी एक्सटेंशंस होंगी ओपन कार्ट से रिलेटेड, वो मैं अब ओपन कार्ट के अपने मार्केट प्लेस पर नहीं डालूंगा, ठीक है। अगर आपको अब एक्सटेंशन चाहिए है, जो भी मेरे पास एक्सटेंशन होंगी, मैं जो भी बना रहा हूँ या जो भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ इन फ्यूचर फ्री में, वो सारी एक्सटेंशन आपको अब मेरी वेबसाइट से ही मिलेंगी, उनको मैं अब ओपन कार्ट के ऊपर ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी एक्सटेंशन जो है वो ऐड की हुई है फ्री में। ये सारी एक्सटेंशंस जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पर ही ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर कोई भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, ओपन कार्ट पर अगर हम कोई भी प्लगइन सेल करते हैं तो ओपन कार्ट उसका 50% कमीशन लेता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये एक्सटेंशन $20 की सेल कर रहा हूँ तो सीधे $10 जो है वो ओपन कार्ट ले रहा है। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। आप सीधे यहाँ से मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं और वो बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी मेरी फ्री प्लगइन्स हैं वो भी आपको अब मेरी वेबसाइट से ही मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगी। कैटेगरीज में मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज के अंदर आप सबसे नीचे देखेंगे सॉफ्टवेयर कोड्स एंड कीज़, इस कैटेगरी के अंदर सारी एक्सटेंशंस आपको मिलेंगी। जो भी एक्सटेंशन वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं, ओपन कार्ड से रिलेटेड हैं या मैजेंटो से रिलेटेड हैं, वो सारी एक्सटेंशंस आपको अब यहीं से मिलेंगी। मैं सारी एक्सटेंशंस यहीं ऐड करूँगा, ठीक है। तो चलिए, अब जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट का SEO जो है वो अच्छा कर सकते हैं। ये मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल पर कैमरा सर्च किया है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि गूगल ने जितने भी हमें सर्च रिजल्ट निकाल कर दिखाए हैं उसमें कहीं पर भी कोड नहीं है, वहाँ पर सीधे सीधे कीवर्ड्स आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहला ही लिंक लेते हैं तो विकीपीडिया में आप देख सकते हैं सीधे लास्ट में कैमरा है, यानी कि यहाँ पर कोई कोड नहीं है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पर कीवर्ड है लास्ट में, ठीक है। अमेजोन में आप देखेंगे पहले कीवर्ड है, लास्ट में कोड है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये समझाना चाह रहा हूँ कि गूगल जो है वो हमेशा कीवर्ड्स पर काम करता है। अगर आपके वेबसाइट का URL सही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोड्स आ रहे हैं, वहाँ पर कीवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम आ गए, ये हमारी टेस्ट वेबसाइट है जिस पर मैं आपको अक्सर ट्यूटोरियल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं होम पेज पर जाता हूँ तो होम पेज पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर URL जो है वो सीधा नहीं आ रहा है, ठीक है। बाद में लास्ट में इंडेक्स PHP करके एक कोड लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि इस कंडीशन में ये मेरी वेबसाइट जो है कभी भी गूगल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि गूगल इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैनन का प्रोडक्ट अपना ओपन कर लिया, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कैनन EOS 5D, यहाँ पर अगर ये सीधे आ रहा होता तो ये बहुत ही अच्छा होता, तो गूगल पर ये सिंक्रोनाइज हो जाता मेरा प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल ये प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट से गूगल पर सिंक्रोनाइज होने वाला नहीं है। क्यों? इस कोड की वजह से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को सही कर सकते हैं और फिर अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं गूगल के साथ, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट पर भी चेक करिएगा, अगर आपकी वेबसाइट पर इस तरीके से कोड्स आ रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या सही करेंगे, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर मेन जो URL है, अपनी वेबसाइट का जो मेन URL है उसको सही करेंगे, यानी कि होम पेज का URL उसको सही करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, और देखिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग, सिस्टम के अंदर सेटिंग्स। देखिए, ओपन कार्ट में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पहले से ही, बस आपको उनको इनेबल करना है। इसको हम करेंगे एडिट, और यहाँ पर हम सीधे आ जाएंगे सर्वर के अंदर,
और देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं यूज SEO URLs, ठीक है, इसको हम यस करेंगे। याद रखिएगा ये स्टेप आपको सबसे पहले करना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये आपको करना है। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है यूज SSL, इसके ऊपर यस करेंगे, ठीक है, SSL यूज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसको कर देंगे हम यहाँ पर सेव, तो ये यहाँ पर अभी हमारा काम एक, यानी कि हमने जो अपना पहला स्टेप है वो हमने फिनिश कर लिया। अभी आगे चलेंगे, अभी आप देखेंगे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो रिफ़्रेश, ये रिफ़्रेश में भी चेंज नहीं होगा। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप जब भी वेबसाइट के ऊपर काम करें तो आपको हमेशा जो कैशे है उसको डिसेबल कर लेना है। मैं हमेशा कैशे जो है उसको डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेरी कैशे है ये डिसेबल है, ठीक है, ताकि मेरे को इसको बार बार रिफ़्रेश ना करना पड़े, तो ये ऑफ है इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंशंस के अंदर मॉडिफिकेशंस को भी आपको रिफ़्रेश करते रहना है लगातार। आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया है वेबसाइट के ऊपर, कोई थीम ऐड की है, कोई प्लगइन ऐड की है, तो आपको मॉडिफिकेशन में जाके रिफ़्रेश करना है। इसके अलावा अगर आपने सी पैनल के से भी कोई चेंजेस की हैं तो आपको मॉडिफिकेशन में जाके रिफ़्रेश करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो आपको शो नहीं होंगे। फिलहाल ये चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं एज इट इज़ आ रहा है। इसके अलावा हम कोई प्रोडक्ट एक ओपन करके देखते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया, एरर आ गया यहाँ पर। क्यों आ गया इसकी मैं आपको अभी वजह बताऊँगा। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का जो URL है वो बिल्कुल सही हो चुका है और हमारा जो होम पेज है वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है। एक्चुअली मैंने वीडियो भी स्किप कर दी थी और इसको दोबारा से मैं वहीं से अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर अभी एक एरर आएगा, अभी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 404 एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक काम और करना है। इसमें क्या करना है, हम वापस जाएंगे सी पैनल में, ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। हम वापस आ गए सी पैनल में और वापस हम जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर, और देखिए यहाँ पर एक फाइल है .htaccess.txt, ठीक है, इसको हमें रीनेम करना है इस तरीके से, रीनेम, और इसको मैं टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, रीनेम, ठीक है, ये रीनेम कर दिया। और अभी हम वापस जाएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को, और अभी प्रोडक्ट ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और गौर करने की दोस्तों कि जो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं जो कीवर्ड्स हैं वो अब सही तरीके से आ रहे हैं, जो कोड्स थे वो हट चुके हैं। तो अभी अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई बड़े नेम वाला प्रोडक्ट लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट्स में जाकर फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का एक ये प्रोडक्ट है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं इसको सीधे सर्च कर लेता हूँ सर्च, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी ये प्रोडक्ट आ गया, इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेन URL के बाद पूरा जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो आ रहा है। तो इसको अभी हमें सही करना है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है इसको सही करना। जैसे हम वापस चलते हैं होम पेज पर, और अभी अगर मैं कोई भी पेज ओपन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट अस का मैंने पेज ओपन किया तो कॉन्टैक्ट अस बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट लेता हूँ एप्पल सिनेमा 30, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने इसका कीवर्ड चेंज कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत ही आसान है इसको करना। देखिए दो जगह से आप ये चीज़ें सही कर सकते हो, एक तो सीधे प्रोडक्ट से कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल सिनेमा 30 यहाँ पर है, इसको एडिट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे SEO का, यहाँ पर ऑप्शन है SEO, इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने टेस्ट डाला हुआ तो यहाँ पर टेस्ट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं वापस जाऊँगा और इसको देखिए अभी मैं अगर ओपन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड डाला था वही आ गया। तो अभी आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर, कि आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आप किस वेबसाइट से बेस्ट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, नील पटेल,
ठीक है, नील पटेल वेबसाइट से आप बेस्ट कीवर्ड्स जो है वो निकाल सकते हैं और वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है। एक्चुअली कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही है, तो वेबसाइट प्रॉपरली काम कर रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सेम कीवर्ड्स जो है वो निकाल कर और बेस्ट कीवर्ड्स आपको जो है ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट के एसईओ वाले ऑप्शन के अंदर। इसके अलावा और आप कहाँ कहाँ से चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट अस को मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, इस यूआरएल को वापस जाएंगे और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डिज़ाइन के अंदर एसईओ यूआरएल, और देखिए यहाँ पर पहला ही पेज है अबाउट अस, इसको हम एडिट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप जो कीवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट अस की जगह अगर मैं इसको कर देता हूँ अबाउट मी, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये कीवर्ड आपको खुद से चूज करना है, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा पेज को, और अभी अगर हम वापस जाएंगे अबाउट अस के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कीवर्ड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रोडक्ट में कीवर्ड कहाँ कहाँ डालने चाहिए, ठीक है। देखिए जो भी कीवर्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वेबसाइट से आप 20 कीवर्ड्स शुरू के बेस्ट 20 कीवर्ड्स या 10 कीवर्ड्स आप ले लीजिए, ठीक है। और वो आपको कहाँ पर ऐड करने हैं, वो आपको प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आप किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, आपको वहाँ पर ही अप्लाई करना। देखिए फ्लिपकार्ट पर तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेजोन के ऊपर आप कर सकते हैं। तो कीवर्ड हमें कहाँ हमेशा अप्लाई करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया, तो जो बेस्ट कीवर्ड होता है वो हमें हमेशा प्रोडक्ट टाइटल के अंदर यूज करना चाहिए। इसके अलावा हमें चार पांच कीवर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में यूज करना चाहिए। इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, मेटा टैग कीवर्ड्स में, देखिए कीवर्ड आ रहा है यहाँ, आपको कीवर्ड डालने हैं प्रोडक्ट टैग में जो भी आप टैग कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपको यहाँ पर ऐड करने चाहिए। अभी अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूँगा तो इस तरीके से यूआरएल ओपन हो रहा है, तो अभी ये एसईओ के हिसाब से बेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है और इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर ही सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा लास्ट में, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं होता है, आपको अपनी वेबसाइट का जो आगे आपको प्रोसेस करना है वो ये करना है कि आपको अपना एक पेज बनाना है गूगल बिजनेस के ऊपर, गूगल माई बिजनेस के ऊपर, वहाँ आपको अपनी वेबसाइट को सिंक्रोनाइज करना है और वहाँ पर आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको गूगल के साथ शेयर करने हैं। मतलब वहाँ पर जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और उसको गूगल के ऊपर डायरेक्ट शेयर करेंगे, तो एक तरीके से आप अपने जो वेबसाइट है उसको डायरेक्टली गूगल के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा कि आपको गूगल पर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट जो है अपलोड करना है, ठीक है। गूगल माई बिजनेस के थ्रू आप ये कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम वापस जाएंगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं और अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आ गया गूगल माई बिजनेस, तो यहाँ से आप जो है सीधे गूगल माई बिजनेस में अपना अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाकर शुरू हो जाइए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल माई बिजनेस है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये गूगल माई बिजनेस से ही कंट्रोल होता है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा A1 क्वालिटी, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिटेल, ये सारी डिटेल मैंने गूगल माई बिजनेस से ही शेयर की हुई है, मेरी वेबसाइट को मैंने सिंक्रोनाइज किया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। तो जल्दी ही मैं जो प्रोडक्ट है वो अभी अपलोड करना इस पर दोबारा से शुरू कर दूंगा और ये दोबारा से सही हो जाएगा एकदम सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने वेबसाइट का जो SEO है उसको बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। SEO का सीधा सीधा मतलब होता है कीवर्ड्स। अगर आपके प्रोडक्ट्स पर सही तरीके से कीवर्ड्स नहीं पड़े हुए हैं, इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट के URL सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती है, कभी भी आपकी वेबसाइट का जो SEO रैंक है वो अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको सबसे पहले काम करना होगा अपनी वेबसाइट पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा, अगर नहीं पता होगा तो सर्च करूँगा उसके बारे में, पहले खुद नॉलेज को गेन करूँगा और फिर आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।